एक ही रिक्शा पर 300 रुपया करके भी आता है तो 1200 रुपया आपको रोज का आ जाएगा बिना चलाए हुए, बिना मेहनत किए हुए। और वो महिंद्रा टीरियो आप रोज आप चलाते हैं तो 1000 रुपया भी कमाना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में फिलहाल। तो आप 1000 रुपया आप अपना खुद मेहनत लगा के 1000 रुपया कमाइएगा, या बिना मेहनत लगाए आपको 1200 रुपया कमाना है तो वो आप। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। और बहुत सारे लोगों का डिमांड है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि सर कम बजट का रिक्शा दिखाइए, ज़्यादा बजट का रिक्शा दिखाइए, ज़्यादा दाम का लेना चाहिए या कम बजट का लेना चाहिए, या नया लेना चाहिए पुराना लेना चाहिए, सब सब आपका डाउट आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहला बता दूँ, नया ई रिक्शा लेने के लिए आप नया ले सकते हैं कोई भी रेंज में, हाई बजट में ना जाएँ। ई रिक्शा में अगर आप 5 लाख का भी रिक्शा लेते हैं और कोई अगर 1 लाख का ई रिक्शा लेता है तो आप दोनों सेम ही कमाइएगा। वो अगर 500 रोज का कमाता है तो आप भी 500 ही कमाइएगा, वो रोज का 1000 कमाता है तो आप भी रोज का 1000 ही कमाइएगा। तो इसीलिए ज़्यादा दाम का ई रिक्शा ना लें। हाँ, अगर महिंद्रा टीरियो ले रहे हैं आप अगर लॉन्गेस्ट टूर जाने के लिए, लॉन्ग दूर, जैसे आपका एरिया बहुत बड़ा एरिया है, 30 किलो 40 किलोमीटर तक एवरेज आपको जाना पड़ता है, तो आप महिंद्रा टीरियो के साथ जा सकते हैं। वरना मैं तो बोलूँगा दोस्तों कि कम रेंज का ई रिक्शा लेना बहुत ही परफेक्ट रहता है लोगों के लिए, क्योंकि ई रिक्शा में ऐसा कोई वैरायटीज नहीं है दोस्तों कि आपका स्पेशल कुछ मिलेगा, और किराया भी सेम ही मिलता है। अगर महिंद्रा ट्रियो में भी कोई पैसेंजर बैठता है तो वो 10 रुपया ही किराया देता है, और नॉर्मल ई रिक्शा जो चाइना कंपनी का 1 लाख या 1 लाख 10 20 में जो मिलता है उसमें भी 10 रुपया ही किराया मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप पैसा ज़्यादा ना ही फंसाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 4 लाख में आप एक ही गाड़ी आएगा या 4 लाख में 4 ई रिक्शा आ जाएगा, और चारों को आप अगर भाड़ा में भी चलाते हैं तो एक ई रिक्शा पर 300 रुपया करके भी आता है तो 1200 रुपया आपको रोज का आ जाएगा बिना चलाए हुए, बिना मेहनत किए हुए। और वो महिंद्रा टीरियो आप रोज आप चलाते हैं तो 1000 रुपया भी कमाना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में फिलहाल। तो आप 1000 रुपया आप अपना खुद मेहनत लगा के 1000 रुपया कमाइएगा, या बिना मेहनत लगाए आपको 1200 रुपया कमाना है तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप किनिए या ना किनिए, वो आपका पूंजी फंसेगा, आपका बजट लगेगा, तो वो आपका डिसाइड है, मैं अंतर बता रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों और दूसरा बात है दोस्तों, अगर आप सेकंड हैंड ई रिक्शा लेते हैं तो इसमें कौन सा फ़ायदा रहता है, अगर विदाउट बैटरी वाला लीजिएगा, विदाउट बैटरी वारंटी वाला लीजिएगा, या बैटरी वारंटी वाला लीजिएगा, वो क्या फ़ायदा होता है दोस्तों मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत लोगों का डिमांड रहता है सर बैटरी वारंटी वाला ई रिक्शा दिखाइए, तो बैटरी वारंटी वाला में क्या होता है, आप अगर 5 महीना 6 महीना बैटरी वारंटी वाला लीजिएगा तो आपका प्राइस ज़्यादा पड़ जाता है, वो आपको 70-80 के करीब मिल जाएगा, 70-80 में आपको ये रिक्शा मिल जाएगा, तो उसमें आपको बैटरी वारंटी मिलता है। पर आप अगर दूसरे एरिया में रहते हैं, दूसरे कोई जगह में रहते हैं, जैसे मेरा आसनसोल एरिया है, अगर आप झारखंड रहते हैं, बिहार रहते हैं, या कहीं वेस्ट बंगाल के ही जैसे 50-60 किलोमीटर के दूर में रहते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है दोस्तों कि वारंटी का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि आप दूसरे इलाका में अगर बैटरी वारंटी को शो कीजिएगा तो वो बहुत नकड़ा करेगा, बहुत आपको परेशानी दिलाएगा कि ना ना मैं यहाँ से नहीं लिया है, दूसरे जगह से लिया, आप दूसरे जगह में जहाँ पर लिया है बैटरी वहाँ पर दीजिए, आप यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों विदाउट बैटरी वाला वारंटी वाला लीजिए, उससे अच्छा अगर किसी ई रिक्शा में अगर 1 महीना 1.5 महीना बैटरी वारंटी बचा हुआ है वो वाला लीजिए, उसमें आपको कम बजट भी पड़ेगा, 60-50 के अंदर आपको मिल जाएगा 1.5 महीना बैटरी वारंटी, आपको ई रिक्शा का जो बैटरी है वो भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो भी बैटरी अगर कंपनी कोई बैटरी वारंटी देता है जैसे 6 महीना 1 साल, तो वो बैटरी 6 महीना 1 साल का बाद भी 5-6 महीना एक्स्ट्रा चलता है, वारंटी से ज़्यादा चलता है, तो आप वो सब ई रिक्शा लीजिए, आपको पैसा आपका कम फंसेगा, आप तुरंत रिकवर भी कर सकते हैं, दूसरा नया बैटरी अपने इलाका में लगा सकते हैं। अगर आप नया अगर 6 महीना 7 महीना बैटरी वारंटी वाला लीजिएगा तो वो आपको 70-80 पड़ेगा। अब 6 महीना अगर 2-3 महीना में अगर ख़राब हो जाता है तो फिर आप एक्सचेंज करने के लिए इतना दूर आइएगा, अगर बिहार में रहते हैं या झारखंड में रहते हैं तो इतना दूर तो आना पॉसिबल नहीं है, आपको तो नया लगाना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ 1-2 महीना अगर बैटरी वारंटी है कोई ई रिक्शा में और 40-50 के करीब आपको अगर ई रिक्शा मिल जा रहा तो उसे आप तुरंत ले लीजिए, क्योंकि ई रिक्शा भी आपको कंडीशन में मिल जाएगा, प्राइस भी आपको कम में मिलेगा, बैटरी वारंटी भी 1-1.5 महीना मिल जाएगा। बैटरी वारंटी मायने नहीं रखता दोस्तों, वो बैटरी आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि वारंटी में है तो हालाँकि वो अच्छा ही होगा, और 5 महीना 6 महीना एक्स्ट्रा चलता है, अगर ज़्यादा भी चलता है, कोई कोई ई रिक्शा का बैटरी 1-1.5 साल भी चल जाता है, तो वो आपका नसीब के ऊपर है और मेंटेनेंस के ऊपर होता है, अगर आप ले सकते हैं तो ये भी ले सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है दोस्तों, अगर नया लेते हैं तो आप कम रेंज का लीजिए, 1 से 1.5 लाख के अंदर ले लीजिए ई रिक्शा, क्योंकि ई रिक्शा लोग ज़्यादा दिन चलाता नहीं है, कोई 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल इसका लाइफ भी ज़्यादा दिन रहता नहीं दोस्तों, कोई भी ई रिक्शा का लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे महिंद्रा टीरियो भी आप 4 लाख का ले लीजिएगा, 4 लाख का आप तो ले लेते हैं, 4 लाख के बाद जब 4-3 साल जैसे बैटरी वारंटी उसका 2 या 2.5 साल का बैटरी वारंटी देता है या 3 साल का,
तो आपको 2-2.5 साल के बाद फिर 1-1.5 लाख रुपये आपको बैटरी लगाने में लग जाएगा, तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। अभी महिंद्रा टीरियो 4.5 लाख के करीब आता है एक में, आप मारुति ऑल्टो लेने जाइएगा तो 5 लाख में मिल जाएगा, छोटा हाथी लेने जाइएगा तो 5 लाख के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो लेके फ़ायदा है या आप नॉर्मल जो महिंद्रा टीरियो है इसे लेना फ़ायदा है, क्योंकि इसका लाइसेंस तो मिल लाइसेंस बन जाता है, रजिस्टर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पर नेशनल हाईवे में इसे चढ़ने के लिए कोई मतलब अभी तक आरटीओ कोई भी कहा नहीं गया है कि आप हाईवे में चला सकते हैं, परमिट आपको अभी तक हाईवे के लिए मिला नहीं है। अभी ई रिक्शा के लिए 3 चक्का कोई भी ई रिक्शा अभी हाईवे में अभी परमिट नहीं है दोस्तों, चाहे आप पेट्रोल लीजिए या बैटरी लीजिए या लिथियम लीजिए कुछ भी लीजिए, आपको आपको 3 जो 3 व्हीलर होता है वो आपको हाईवे में परमिशन नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं। हमारे वेस्ट बंगाल में नहीं मिलता, आप दूसरे स्टेट में रहते हैं वो अलग बात है, पर हमारे स्टेट में आपको 3 व्हीलर हाईवे में चलने को नहीं देता है। आप चाहे 4 लाख का लीजिए या 10 लाख का ई रिक्शा लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ई रिक्शा लीजिए, तो आप नया लेने जा रहे हैं तो 1-1.5 लाख के बीच में ले लीजिए, उससे ज़्यादा पैसा फंसाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ई रिक्शा में आप किसी को भाड़ा में भी दीजिएगा तो वो 300 रुपया ही देगा, और 4 लाख का ई रिक्शा लेके दीजिएगा तो वो भी 300 रुपया ही देगा। तो फ़ायदा क्या है, हम अगर 4 लाख का 4 ठो अगर ई रिक्शा लेते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी ज़्यादा रेंज का ई रिक्शा नहीं लेना है आपको, कम से कम 1 या 1.5 लाख के बीच में लेना है। तो कम बजट में ई रिक्शा लेने का यही फ़ायदा है दोस्तों। सेकेंड हैंड भी लीजिए तो 1-1.5 महीना बैटरी बचा हुआ है वही लीजिए, क्योंकि आपका बेस्ट प्राइस कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, बैटरी वारंटी भी मिल जाएगा, बैटरी भी अच्छा मिल जाएगा, और वही 5-6 महीना वाला लीजिएगा तो आपका ज़्यादा प्राइस लग जाएगा, 80,000-90,000। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और बहुत सारे भी ई रिक्शा आने वाला है दोस्तों, बहुत ही अभी ईद खत्म होगा, जैसे ईद खत्म होगा रमजान का महीना खत्म होगा, आपको बहुत सारे ऐसे नए नए और 1-2 महीना 3 महीना का चला हुआ ई रिक्शा भी आ रहा है मेरे पास। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और विशेष करके ये वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिए, दूसरों को हेल्प हो जाएगा। कोई अगर ई रिक्शा लेने जा रहा है तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, उसका तक उसे ई रिक्शा आपको कम रेंज में मिल जाएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।